आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सायाटिका में कभी स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो सायाटिका है क्या? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम देवशीष शर्मा है, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सायाटिका में कभी स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो सायाटिका है क्या? सायाटिका, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सायाटिका एक दर्द है जो कि आपकी कमर से निकल के आपके हिप के पीछे वाले भाग, जिसको हम बटक कहते हैं, उसमें आपके थाई के पीछे वाले भाग, पोस्टीरियर थाई में, आपकी बैक ऑफ द नी में और आपकी पिंडली में हो सकता है। कभी कभी पैर में अंदर भी जा सकता है, जैसे कि आपकी छोटी उंगली में या आपके अंगूठे की तरफ। इसके अलावा आपको सुन्नाहट, छन्नाहट, चीटी काटना, नमनेस, टिंगलिंग, पिन प्रिकिंग एंड स्क्रॉलिंग, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। लेग में हैवीनेस हो सकती है। तो सायाटिका का बेसिक मतलब यह है कि सायाटिक नर्व, जो कि आपके कमर से निकलने वाली नर्व है और जो आपके पैरों में जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये जो नर्व है, इस नर्व का इरिटेशन अगर आपको हो रहा है या तो स्पाइन में या स्पाइन के बाहर, उस कारण से जो दर्द आया उसको सायाटिका कहते हैं। अब क्या इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी? वेल, 99% केसेस में इसका जवाब है नहीं। अगर आपको सायाटिका हो रहा है तो उसका सबसे सिंपल और सबसे आसान ट्रीटमेंट होता है दवाइयां, रेस्ट। अगर आप दवाई लेंगे और आप रेस्ट करेंगे तो उम्मीद है बॉडी अपने आप को रिकवर करेगी और बहुत जल्दी आपकी इस प्रॉब्लम का आपको निजात मिल जाएगा। बट यदि आपका सायाटिका ठीक नहीं हो रहा है तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से मिलकर ढंग से इवैल्यूएशन कराना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है। अगर सायाटिका की प्रॉब्लम शुरू ही हुई है, जिसको अभी 1-1.5-2 महीना ही हुए हैं, तो फिर दवाइयां, फिजियोथेरेपी से इलाज हो जाता है। यदि प्रॉब्लम को दिन ज्यादा हो रहे हैं या फिर आप दवाइयों से फायदा नहीं ले पा रहे या फिजियोथेरेपी से आपको आराम नहीं आ रहा है या ऐसा फिजियोथेरेपी करने से प्रॉब्लम बढ़ रही है, कायरोप्रैक्टर करने से प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसे केसेस में हम पेशेंट को कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, जिसको कि इंडिया में जनरली स्पाइन सर्जन लगा देते हैं, पेन फिजिशियन लगा देते हैं, एनेस्थेसिस्ट लगा देते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कई बार लगाते हैं। तो या तो आप ऐसे केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्पाइन सर्जन से मिलकर इसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं, अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो। और अगर आपको वीकनेस, पैरालिसिस या फिर पैर में कमजोरी, पैर का न चलना, पैर का ऊपर पूरी तरह ना उठना, भाग ना पाना, रनिंग डिफिकल्टी हो रही है, ऐसे केसेस में हमें कभी कभी डिटेल में MRIs में ये देखना पड़ता है कि कहीं दबाव अत्यधिक तो नहीं हो रहा, क्योंकि वीकनेस इज अ साइन ऑफ नर्व गेटिंग डैमेज्ड। अगर सिर्फ दर्द है तो इसका मतलब है नर्व इरिटेट हो रही है, बट अगर वीकनेस आ रही है इसका मतलब नर्व डैमेज शुरू हो रहा है। और ऐसे केसेस में हम लोग कभी कभी अत्यधिक कंप्रेशन में पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड करते हैं और बोलते हैं कि अब आप सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि वीकनेस अगर आगे बढ़ेगी या परमानेंट हो जाएगी तो ये समस्या की बात है और आपकी लाइफस्टाइल जो आप करेंटली जी रहे हैं वो इफेक्ट हो सकती है। जैसे अगर आप प्लेयर हैं या आप बॉडी बिल्डर हैं या आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है या आपको घूमना अच्छा लगता है, तो आपको प्रॉपरली ना कर पाए तो आपकी लाइफस्टाइल बदलेगी, क्योंकि मानसिक रूप से काफी टैक्सिंग हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो अपने स्पाइन सर्जन से डिस्कस करिए, अपनी रिपोर्ट्स को बताइए और इसमें आगे बढ़िए। पर यदि आपको ब्लैडर बबल इन्वॉल्व हो रहा है या फिर आपको यूरिन कंट्रोल में कोई दिक्कत है, आप ज्यादा देर यूरिन रोक नहीं पाते, जब यूरिन आती है तो आपको जल्दी जाना पड़ता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पेट है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेटेड है, आपको पेट साफ नहीं रह रहा, या आपको लेटरिन बाथरूम का एरिया नंब लग रहा है, ऐसे केसेस में सर्जरी ऑलमोस्ट अर्जेंट हो जाती है, इमरजेंसी में हो जाती है, जिसको हम कॉडा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉब्लम है। ज्यादातर केसेस सायाटिका के दवाई, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन से भी बहुत अच्छा रिलीफ पा लेते हैं। पर यदि ये सारी चीजें फेल हो रही हैं या फिर ये सारी चीजें करने के बावजूद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि स्पाइन सर्जन के साथ आपको हिम्मत बना के डिसीजन लेना चाहिए कि आपको सर्जरी की जरूरत है। आजकल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होने की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो डरे ना, हिम्मत बना के रखें और सर्जरी जरूर कराएं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है और वीकनेस आ रही है तो वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए और वो ठीक होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को अगर वीकनेस नई नई आई है तो सर्जरी करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी रिकवरी मिल जाती है। वीकनेस को बहुत लंबा समय नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीकनेस को 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए। आपको वीकनेस जैसे ही शुरू हुआ आपको अपने डॉक्टर को अलर्ट करना चाहिए। हालांकि आपके डॉक्टर से आप मिलेंगे तो वो डिटेल में आपका एग्जामिनेशन करेंगे और उससे पता लग जाएगा कि जो वीकनेस आ रही है वो
करेंटली जो स्पाइन में इशू है उसी की वजह से है कि नहीं। तो मेरा मानना यह है कि सियाटिका का अगर प्रॉब्लम है तो 99% वैसे ही और 1% केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और अगर ऐसा है तो डरे नहीं, सर्जरी करा सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हिम्मत बना के रखें और मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर ठीक हो जाओगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आपके लिए, सब ठीक होगा।